कर्नाटक और महाराष्ट्र सीमा मुद्दे पर विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है। दोनों राज्यों के बीच बढ़ते तनाव पर अब शिवसेना नेता संजय राउत ने एक ऐसा बयान दिया है जिससे सियासी बवाल पैदा हो गया है। दरअसल राउत ने कहा कि हम कर्नाटक में उसी तरह से प्रवेश करेंगे जैसे चीन देश में प्रवेश कर गया। पार्टी के वरिष्ठ नेता ने कहा कि उन्हें इस मुद्दे पर किसी की अनुमति की जरूरत नहीं है। संजय राउत ने आगे कहा कि हम इसे चर्चा के जरिए सुलझाना चाहते हैं, लेकिन कर्नाटक के मुख्यमंत्री आग लगा रहे हैं। महाराष्ट्र में एक कमजोर सरकार है और इस पर कोई स्टैंड नहीं ले रही है। सुनिए राउत का बयान। बात उनकी नहीं, जैसे तो उनकी सरकार दिल्ली में बैठी है, तो भी इसलिए के लिए हमें किसी की परमिशन की जरूरत नहीं है, लेकिन हम मानते हैं देश एक है, जो मसला बातचीत से सुलझ सकता है, लेकिन कर्नाटक के मुख्यमंत्री जानबूझ कर आग लगा इसलिए कि महाराष्ट्र में किसी कमजोर सरकार में इस विषय को भूमिका जिस विषय से 100 से भी ज्यादा लोगों ने बलिदान दिया है, उसके ऊपर अगर गांधी के अपनी भूमिका भी नहीं है तो मुंबई जैसे लोग आवाज चढ़ाकर पड़ा चढ़ाकर बात तो करेंगे। हमारा कोई व्यक्तिगत झगड़ा नहीं है सरकार से, कर्नाटक के लोगों से। बता दें कि महाराष्ट्र विधानसभा के शीतकालीन सत्र में बीते दिनों मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने कर्नाटक महाराष्ट्र सीमा मुद्दा पर बड़ा बयान दिया था। उन्होंने कहा था कि पहली बार केंद्रीय गृह मंत्री ने महाराष्ट्र और कर्नाटक के बीच मध्यस्थता की है। इस मुद्दे पर अब राजनीति नहीं होनी चाहिए, हमें सीमावर्ती निवासियों के साथ खड़ा होना चाहिए। बता दें कि महाराष्ट्र और कर्नाटक सीमा विवाद पर गृह मंत्री अमित शाह ने बैठक की थी। वहीं बैठक में महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस, कर्नाटक के मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई और कर्नाटक के गृह मंत्री अरागा गायेंद्र ने हिस्सा लिए थे। बता दें कि महाराष्ट्र और कर्नाटक के बीच बेलगावी और कारवार के कुछ गांवों को लेकर सीमा विवाद है। कर्नाटक में आने वाले इन गांवों की आबादी मराठी भाषी है। महाराष्ट्र में लंबे समय से इन गांवों को राज्य में शामिल किए जाने की मांग की जा रही है। वहीं साल 1960 में महाराष्ट्र की स्थापना के बाद से ही यह विवाद सुप्रीम कोर्ट में लंबित है। वीडियो डेस्क amarujala.com डाउनलोड करें अमर उजाला ऐप और पाएं खबरें लगातार। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।